Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 10, page number 228. Training in sports. The word training is not a new word. जो training word है वो कोई नया word नहीं है. People have been using it since archaic period. लोग इसको कब से use कर रहे हैं? जब पौराणिक काल से इसको यूज कर रहे हैं. ट्रेनिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क. ट्रेनिंग का मतलब ये है कि किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना. किस चीज़ के लिए? टास्क. कोई टास्क या कोई कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करना. बट हेयर आवर मेन टास्क इज फिटनेस एंड कंडीशनिंग आवर बॉडी फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम. पर मेन टास्क क्या होता है? फिटनेस का और बॉडी का. किस चीज़ के लिए? स्पोर्ट्स और गेम के लिए. इट इज फॉर दिस रीजन दैट दिस टर्म इज प्रिवेंटली यूज इन स्पोर्ट्स एंड गेम. Here it is called sport training. This concept of training and sportsman preparation some to coincide, but the term are not identical. Preparation is broader both in term of volume and content. In fact, preparation is a complex process and directly influences the sports person development and ensures the necessary degrees of readiness for success. Preparation kya hai? Ek aisi border hai jisse ki aap किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं. कैसे? प्रिपेयर करके, हार्ड वर्क करके, ट्रेनिंग करके, स्पोर्ट ट्रेनिंग करके आप किसी भी चीज़, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसमें अपनी परफॉर्मेंस ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आप उस बॉर्डर तक पहुंच जाए जहां पर आपको पहुंचना है. इन्फ्लुएंस द स्पोर्ट्स पर्सन डेवलपमेंट एंड इंश्योर द नेसेसरी डिग्री ऑफ रेडीनेस फॉर सक्सेस. These complex system include sport training, sports competition में for preparation, special nutrition, etc. Sport training is the main component and the basic plan preparation with the help of various exercise. Sport training जो है, other word में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से preparation करना, plan करना. किस चीज़ से? With the help of various exercise से. जैसे कि हम कोई pull-ups कर लेते हैं, push-ups, pull-ups, push-ups, sit-ups, sit-up और एक्सरसाइज करके, वार्मिंग अप करके, इन चीज़ों से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है स्टिल बॉडी कंडीशन अच्छा रहे, फिटनेस लेवल अच्छा रहे, तो उसमें हम परफॉर्मेंस करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. द कंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंक्लूड ऑल द बेसिक्स टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन. सभी तरीके की जो प्रिपरेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है. किसके लिए? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए. स्पोर्ट ट्रेनिंग में कोई सी भी प्रिपरेशन करने के लिए मतलब आपको रेडी नहीं होना पड़ता कि कोई सा भी आप किसे एक्सरसाइज करा जाता है. कॉम्प्लेक्स करवा सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब इजी टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इजी से स्टार्ट करा के आपको कॉम्प्लेक्स तक एक्सरसाइज कराई जा सकती है. उसके लिए आपको ट्रेनिंग कराई जा सकती है. सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इंप्रूव एथलीट फिटनेस लेवल. अगर सिस्टमेटिक अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपका क्या होता है? एथलीट फिटनेस लेवल को है इम्प्रूव होता है. इट इज़ द बेसिस ऑफ हिज preparedness for sports achievement. The physical exercise which are used in training have an impressive effect on the physical development of athletics. physical exercise करा के उसमें training करवा के उससे क्या होता है कि impressive effect पड़ता है. किस पे? आपकी जो physical development है एथलीट की वो improve होती है और impressive दिखती है. Next है 10.1 strength definition types and methods of improving strength. isometric, isotonic and isokinetic. स्ट्रेंथ की डेफिनेशन दी गई है. इसके टाइप्स बताए गए, इम्प्रूविंग मेथड्स बताए गए हैं स्ट्रेंथ के. जैसे आइसोकाइनेटिक आइसोमेट्रिक होता है, आइसोटोनिक होता है एंड आइसोकाइनेटिक होता है. स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस. इट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. स्ट्रेंथ इज एक एबिलिटी है जो मसल्स को ओवरकम रेजिस्टेंस तक दे जाती है. इस एसेंशियल एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एक एसेंशियल एलिमेंट है. किसके लिए? फिजिकल फिटनेस के लिए. सब लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी इसमें. बैरो एंड मैकगी मैथ्यूज ने अपने लिए अलग बताया गया कि स्ट्रेंथ को किस चीज़ के लिए यूज किया जाए. मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द फोर्स दैट अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस वन मैक्सिमम एफर्ट. स्ट्रेंथ कॉल ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल्स और मसल्स ग्रुप कैन एक्सर्ट. किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये? मसल्स की पावर पे.
कि आप जितना अमाउंट ऑफ जितनी ज़्यादा ताकत लगाएंगे मसल्स की तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर इन पाउंड और डाइंस। स्ट्रेंथ को किससे मेजर किया जा सकता है? पाउंड्स और डाइंस से। अ सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ इज एसेंशियल फॉर अ कॉमन मैन वेरियस। फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन इट इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट। सम अवोकेशन और स्पोर्ट्स में रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ वाइल देयर अदर अवोकेशन और स्पोर्ट्स में रिक्वायर मोर स्ट्रेंथ। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कि आपको कम स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। कोई ऐसे धंधे होता है जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चेस हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथ का अमाउंट कम लगता है, और कुछ ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें आपको मोर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। डायनेमिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट डायनेमिक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड बी आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को आप आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। क्योंकि ये रिलेटेड किससे? मूवमेंट से रिलेटेड है। इन पुलअप्स, क्योंकि ये अपने ही मूवमेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि पुलअप्स कर लिया एंड पुशअप्स कर लिया, ये अपनी ही बॉडी पे वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या चाहिए होती है? डायनेमिक स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है पुलअप्स और पुशअप्स में। वाइल परफॉर्मिंग सच वर्कआउट देयर इज अ डिमिनिशिंग टेंडेंसी इन द डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम मसल रिफ्यूज टू डू वर्क। जैसे हम कोई डायनेमिक स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है, फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है? मसल रिफ्यूज टू डू वर्क। वो मसल्स क्या होती है? फिर वो रिफ्यूज हो जाती है और फिर वो वर्क करने लग जाती है। एट दिस जंक्चर एंड इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू डू इवन वन एक्स्ट्रा पुलअप्स और पुशअप्स, मूवमेंट आर क्लियरली विजिबल। वेन समवन यूजेस डायनेमिक स्ट्रेंथ इन ईच स्पोर्ट्स मूवमेंट, स्ट्रेंथ अपीयर इन अ डिफरेंट फॉर्म। जनरली डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स में अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को करते हैं तो डायनेमिक स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं तो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड किया गया है किसको? डायनेमिक स्ट्रेंथ को। फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नॉट यूज इन मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स। इट इज़ यूजली यूज इन दोज स्पोर्ट्स वेयर वेरी हैवी रेजिस्टेंस आर टू बी टैकल्ड। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेट लगता है, ये कोई ग्रुप में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप ओनली इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप इंडिविजुअली परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग होता है, शॉट पुट होता है, हैमर होता है, डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है, ये आप खुद इस स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आप अपनी गेन करते हैं ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग। इन अदर स्पोर्ट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। क्रॉस पोजिशन इज नॉर्मल रिंग्स। इन जिमनास्टिक्स स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन फेजेज इन स्प्रिटिंग इवेंट्स एंड टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। और क्रॉस पोजिशन, रोमन रिंग्स, जिमनास्टिक में भी इन चीज़ों का जरूरत पड़ती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंटिंग इवेंट में जो होता है, स्प्रिंट 100 मीटर में टेक ऑफ का जो होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन लॉन्ग जंप में भी जो होता है वो टेक ऑफ का होता है, क्योंकि टेक ऑफ के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट ही स्प्रिंटिंग इवेंट, जिमनास्टिक स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेशन, जिमनास्टिक में भी स्टार्टिंग का एंड एक्सेलरेशन फेजेस इन स्प्रिंटिंग लेवल एंड टेक ऑफ द लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, इन सब में मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है। नेक्स्ट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड। इनफैक्ट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज इन स्प्रिंट स्टार्ट। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किसमें यूज की जाती है? स्प्रिंट स्टार्ट में, वेट लिफ्टिंग में, शॉर्ट पुट में, हैमर में, जेवलिन थ्रो में, डिस्कस थ्रो में, एंड्योरेंस इवेंट्स, स्पेशली इन द स्टार्ट एंड स्पर्ट फेजेस। इन द अबव मेंशन्ड स्पोर्ट्स दिस फोर्स अप्लाइड लाइज जस्ट लाइक एक्सप्लोजन, ओविंग टू इस रीजन इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव पावर। एंड्योरेंस इवेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टार्टअप के टाइम और स्पोर्ट फेजेस जब लास्ट टाइम आता है उसमें भी आपको इस चीज़ का यूज़ होता है, तो एंड्योरेंस पावर भी यूज़ होती है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटीज। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस।
और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फैटिक। कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ क्या होती है एंड एंड्योरेंस एबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी डिफाइंड द एबिलिटी ऑफ टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिक। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन द इफेक्ट वेदर द मूवमेंट इज स्टैटिक और डायनेमिक। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज कॉमनली यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस किसमें यूज आता है, जिसमें कम फैटिकनेस के चांसेस होते हैं, फैटिकनेस नहीं होती स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में काम आती है। स्विमिंग, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट में इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। सो इट इज कैन बी सेड दैट स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज यूजली अप्लाइड इज द मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स। सेकेंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ये एक आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसको स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये एबिलिटी किसकी है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करती है। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर। स्टैटिक स्ट्रेंथ को किससे मेजर किया जा सकता है, डायनोमीटर से। किस चीज़ के लिए फायदेमंद होती है बता दें। दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली। इस स्ट्रेंथ को आप देख नहीं सकते। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स बट इन लिफ्ट फिटिंग इट इज यूज इन फिजिक्स। इसको स्ट्रेंथ को स्पोर्ट्स के लिए अप्लाइड नहीं किया जाता है। ये किसके लिए होता है, मेन वेट लिफ्टिंग के लिए, जिसमें वेट लिफ्टिंग में जब आपकी स्ट्रेंथ का यूज होता है तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ का शो वेट लिफ्टिंग में दिखता है। थैंक यू।